गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम देखेंगे बीजांक। वैदिक गणित में बीजांक एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज हम देखेंगे बीजांक किसे कहते हैं या किसी संख्या का बीजांक कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम बीजांक को समझते हैं। वैदिक गणित में 1 से 9 तक के जो अंक हैं उसे बीजांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कहलाते हैं बीजांक। ठीक है, या तो वह बीजांक 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं उसे हम कहते हैं बीजांक। अब किसी संख्या का हम बीजांक कैसे मालूम करते हैं? तो किसी संख्या का बीजांक मालूम करने के लिए हम उसके जो अंक हैं उसे तब तक जोड़ते हैं जब तक कि हमें एक अंक की संख्या ना मिल जाए या एक अंक ना मिल जाए, और जो एक अंक है वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। चलिए हम कुछ संख्या लेते हैं और उनके बीजांक ज्ञात कर हम समझेंगे कि बीजांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 95, और इसका हम बीजांक मालूम करते हैं। कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे इसका बीजांक मालूम करते हैं। इतना उदाहरण काफी है बीजांक को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या का बीजांक मालूम करते हैं, 95 का बीजांक। तो बीजांक में हमने देखा था इसका बीजांक ज्ञात करने के लिए इसके अंकों को हमें जोड़ना है, 9 और 5 को। 9 और 5 को जोड़िए तो हमें मिला 14। क्या 14 इस 95 का बीजांक है? नहीं है। हमने कहा है कि उसके अंकों को हमें तब तक जोड़ना है जब तक कि हमें एक अंक ना मिल जाए। तो यह तो 2 अंक हो गया, इसको हम फिर जोड़ेंगे, 1 धन 4 और 1 और 4 5। देखिए हमें एक अंक की संख्या मिल गई। तो यह जो एक अंक की संख्या है 5, वह 95 का बीजांक होगा। तो एकदम सरल सा है। कुछ और सवाल देखते हैं, जैसे 14,500। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 धन 4 धन 5 धन 9 धन 8। जोड़ लीजिए, 1 4 5 5 10 10 9 19 8 27। अब देखिए 27 आया, 2 अंक की संख्या। एक अंक लाने के लिए हम इसको फिर जोड़ते हैं और 9। यह 9 जो है इस संख्या का बीजांक होगा। इसको लेते हैं, 9,875 का बीजांक। जोड़िए, 9 धन 8 धन 7 धन 5। जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 17 7 24 5 29। 2 अंक मिल गए और जोड़ना पड़ेगा, तो 2 धन 9 क्या मिल गया? 11। देखिए 11 भी 2 अंक की संख्या है और जोड़ना पड़ेगा, तो 1 धन 1 और अब मिला हमें 2। तो 2 जो है 9,875 का बीजांक है। एक बड़ी संख्या लेते हैं, 28,447। तो इसके अंकों को भी हमें तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या न मिल जाए। तो 2 धन 8 धन 4 धन 3 धन 9। जोड़ लेते हैं, 2 8 10 10 4 14 14 3 17 9 26। 26 2 अंक की संख्या है, तो इसके अंकों को फिर जोड़ना होगा, 2 धन 6। तो मिला हमें 8। 8 एक अंक, यही जो है इस संख्या का बीजांक होगा। तो बीजांक जो है कुछ ज्यादा नहीं है, समझ लीजिए कि वैदिक गणित में 1 से 9 तक के जो अंक हैं यह कहलाते हैं बीजांक। और किसी संख्या का बीजांक मालूम करने के लिए उसके अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक की संख्या ना मिल जाए, और जो एक अंक आएगा वही होगा बीजांक। तो कुछ और सवाल आप ले सकते हैं और उसके अंकों को आप तब तक जोड़िए जब तक कि आपको एक अंक ना मिल जाए। जब आपको एक अंक मिल जाएगा वह होगा बीजांक। तो बेहद आसान सा चैप्टर है, तो
कुछ और सवाल आप हल कर सकते हैं।